सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डियर फर्स्ट सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में। यहाँ पर 2016, 2017 और 2018 के पेपर को यहाँ पर हम देखेंगे और अगले पार्ट टू में हम जितने भी इयर्स के और बचे हुए प्रश्न हैं उनको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आज हम 2016 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं आपके सामाजिक अध्ययन विषय के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन है, गद्य और पद्य दोनों में ही रचित वेद कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, यही चार वेद होते हैं। तो इनमें से कौन सा वेद है जो गद्य में भी लिखा हुआ है और पद्य में भी, यानी कि जिसे हम पढ़ भी सकते हैं और जिसे हम गा करके भी पढ़ सकते हैं, वो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके अलावा कौन से वेद में गायत्री मंत्र की रचना है? तो ऋग्वेद में है। कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद है। ठीक है, इस तरीके से ये सब क्वेश्चन बनते हैं वेदों से, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर टू है, अपने देश का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, जो सत्यमेव जयते है ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्माण, धर्म चक्र परिवर्तन या अपरिग्रह? तो राइट आंसर है महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? शैव धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म या जैन? दोस्तों राइट आंसर है जैन धर्म, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या वैष्णव धर्म? तो श्वेतांबर और दिगंबर ये है जैन धर्म से संबंधित, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है? राज तरंगिणी, जातक कथा, महाभारत या रामायण? तो राइट आंसर हो जाएगा राज तरंगिणी, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? कालीबंगा, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोली पिंड कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोली पिंडों को हम ग्रह कहते हैं, ऑप्शन बी सही जगह से कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब क्या है, ग्रह ही तो है। क्वेश्चन नंबर टेन है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेपच्यून, जिसे हम वरुण भी कहते हैं, वरुण ग्रह। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का क्या कारण है? तो राइट आंसर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, शून्य डिग्री अक्षांश को कहते हैं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या आर्कटिक रेखा? तो शून्य डिग्री अक्षांश को ही हम कहते हैं भूमध्य रेखा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब कब सीधी पड़ती हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों ही दिन जो है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पर दोनों ही आंसर सही है, 23 सितंबर और 21 मार्च, इसमें से एक डेट इनको नहीं देनी चाहिए थी दोस्तों, दोनों ही समय पर भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए या 10 वर्ष के लिए? राइट आंसर है 5 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब 2017 के पेपर को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, संसार का पहला पालतू पशु था? तो सबसे पहला पालतू पशु था कुत्ता, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहिए का आविष्कार हुआ था? मैंने रजन सीरीज पढ़ाई है, पवन सीरीज पढ़ाया, सभी में बताया है कि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था? तो दोस्तों दजला और फरात नामक नदी घाटी में हुआ था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है, पिरामिड किस देश में है? तो हम सभी को पता है कहाँ है, मिस्र में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैन धर्म के संस्थापक थे, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? हम सभी को पता है ऋषभ देव। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा नहीं हुआ है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ऋषभ देव यहाँ पर होगा, नानक देव लिख दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो बिना कहे समझ जाइए कौन सा राज्य है हमारा, उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या लगभग 24 करोड़ है। ठीक है, किसी भी देश से बहुत 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 ज्यादा, अपने आप में हमारा उत्तर प्रदेश एक देश से भी बहुत बड़ा है, हम कह सकते हैं अकेले ही। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है? गुट निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, सांप्रदायिकता या उपयुक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर है सांप्रदायिकता। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित है? तो बुध सबसे नजदीक है, ऑप्शन बी बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? तो राइट आंसर है कांस्य युग में। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैनियन दर्रा का निर्माण होता है? तो दोस्तों जो कैनियन दर्रा है इसका निर्माण नदी के द्वारा होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं होती हैं? तो क्षोभ मंडल में ही सारे आंधी तूफान जैसी घटनाएं होती हैं, ये सब क्षोभ मंडल में होती हैं, ऑप्शन बी सबसे निचला मंडल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय, बहुत सारे दल हैं, अलग अलग पार्टियां हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम स्तर पर, ऑप्शन ए। अब 2018 के पेपर को भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है, यह किसने कहा है? प्रोफेसर घाटे, प्रोफेसर कार, पंडित जवाहरलाल नेहरू या रैप्सन? तो राइट आंसर दोस्तों है रैप्सन। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुरापाषाण की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, पहिए का आविष्कार, आग की खोज, कृषि का आरंभ या स्थायी जीवन की शुरुआत? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आग की खोज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहिए का आविष्कार हुआ था, अभी आपने देखा है, कब हुआ था? नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 4 है, महापाषाण से तात्पर्य है धार्मिक अनुष्ठान से, उपकरणों से, पर्वत श्रृंखला से या समाधियों से? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों महापाषाण, पाषाण का मतलब पत्थर हुआ, या पत्थर कहाँ होते हैं, पर्वत में, तो ऑप्शन सी जो है पर्वत श्रृंखला, एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला होती है जिसको काट करके अलग अलग शिलालेख बनाए जाते हैं या किसी चीज का पार्ट बना दिया जाता है। ठीक है, तो महापाषाण एक बहुत बड़ा पत्थर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सम का अर्थ है यज्ञ, मंत्र, स्तुति, यज्ञ? तो यहाँ सम नहीं साम होगा, साम का अर्थ है गान, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। साम वेद में इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि जहां पर गा करके मंत्रों को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेदांग किसे कहते हैं? वेदांग कितने हैं, वेदांग कितने हैं पूछा है, तो राइट आंसर है 6 हैं, और वेद कितने हैं, 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैदिक ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? तो वैदिक ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो सिंधु घाटी के निवासियों का भोजन गेहूं भी था, चावल भी था, जौ भी था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है किसके अर्थ में? चांदी के, सोने के, तांबे के या लोहे के अर्थ में? तो राइट आंसर दोस्तों है तांबे के अर्थ में। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीति में संकलित किया गया था? तो राइट आंसर है द्वितीय बौद्ध संगीति में। क्वेश्चन नंबर 11 है, सौर मंडल का मुखिया होता है, तो हम सभी को पता है कौन है, सूर्य है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर ही सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर, और यही सबसे बड़ा भी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा की स्थापना दोस्तों हुई थी 1958 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है?
तो नगर पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है, तो दोस्तों ये कहलाते हैं मेयर। ऑप्शन एफ सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, मेयर। तो फ्रेंड्स अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो 3 साल के पेपर यहाँ पर मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। यहाँ आपको कांटेक्ट नंबर दिख रहा होगा हमारा, अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, क्लासेस, मास्टर क्लासेस, जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। कांटेक्ट करके आप बात भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। सारे विषयों के नोट्स लेने के लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का नाम है अस्तित्व अकेडमी, लिंक आपको मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सारे विषयों के क्लासेस के लिंक, मास्टर क्लासेस के लिंक, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की क्लासेस की लिंक आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो पढ़ते रहिए सीरीज को, जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। जय हिंद।